फनागर यूपी से बिलोंग करता हूँ, एक गांव से आता हूँ, किसान फैमिली से हूँ, और पिछले चार सवा चार साल से मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, यहाँ का स्टूडेंट हूँ, डे बाय डे सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। साथियों, अभी सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे कि आज अगर मैं इस सिस्टम पे ऊपर आया हूँ तो उसकी वजह क्या है। साथियों, आपको पता है हम लोग मैक्सिमम लोग यहाँ मिडिल क्लास लोग हैं, और मिडिल क्लास आदमी कैसा होता है आपको सही, आपको सबको पता है कि उसके पास सपने होते हैं लेकिन उनको पूरा करने का कोई जरिया उसके पास नहीं होता है। और खासकर क्योंकि जिस परिवेश से मैं आता हूँ भाई, जो गांव देहात की जो लाइफ है वो थोड़ा सा टफ है, टफ इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि वहां पे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। साथियों, मैं भी गांव में पैदा हुआ, पला बढ़ा, बड़ा हुआ, बहुत सारे सपने थे कि कुछ बड़ा करने के, और सपने पूरा करने का एक ही रास्ता हम लोगों को बताया गया था बचपन से, और वो क्या है, वो है नौकरी। मुझे भी बचपन से यही सिखाया मेरे माता पिता ने, मेरे दादा दादी ने, कि अच्छे से पढ़ो भाई, कल को आपकी नौकरी लगेगी, फिर आप अपने जीवन को अच्छे से जियोगे, अपने सपनों को पूरा करोगे। और मेरे साथ भी वही हुआ, पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद अपना मैंने नौकरी शुरू की। तो साथियों, जब नौकरी करते हुए मुझे 5 साल हुए, तो मुझे 5 साल में ये पता चल चुका था कि 5 साल में जहां तक मैं पहुंचा हूं तो अगले 5 साल में मैं कहां तक पहुंचूंगा, तो मैं तुरंत समझ गया कि यहां से कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों, मैंने तुरंत वहां से मैंने अपने आप को स्विच किया और फिर मैं गांव में आ गया, चलो खेती करके देखते हैं। तो वहां भी मैंने 4-5 साल काम किया, और 4-5 साल काम करने के बाद मुझे ये तजुर्बा हो गया कि 5 साल में मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, अगले 5 में कहाँ तक पहुंचूंगा, और मेरे गांव में जो मेरे परिवार में लोग पिछले 20-30-50 साल से कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं। तो फिर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में आया, और फाइनली 2012 में ईश्वर ने मुझे मौका दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने का, जहां पे मुझे मेरे जैसे हजारों लोग मिले जो स्टेज के माध्यम से खड़ा होकर कहते थे कि हमारा ये सपना है, हमारा ये सपना है, और हम इस सपने को पूरा करेंगे। और मुझे लगा हाँ, ये मेरे जैसे लोग हैं जिनके सपने हैं और अपने सपने को यहाँ बता भी पाते हैं। साथियों, रियली ये वो दुनिया है, ये वो मंच है जहां पे आपको और मुझे मौका मिलता है अपने सपने के बारे में बात करने का। नहीं तो आम जिंदगी में तो आप और हम बात करने से भी डरते हैं क्योंकि हमारे परिवार वाले ही हमारी मजाक बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपने सपने को बताते ही नहीं है, आप उसको अचीव भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने वो सब लोग होते हैं जिनके सपने वो बड़े हुए और उन सपनों को उन्होंने पूरा किया, और पूरा करने के बाद उन्होंने एक टास्क और लिया कि हम उन लोगों के सपनों को भी पूरा कराएंगे जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो साथियों, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था, वहां मेरे सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन वहां मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनने का, मिलने का मौका मिला, जहां से मुझे ये भरोसा आ गया कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस इंडस्ट्री के अंदर आके हम यहाँ से बड़ा काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री मुझे मिल चुकी थी, बस प्लेटफॉर्म की तलाश थी, और फाइनली मुझे अब से 4.5 साल पहले ये प्लेटफॉर्म यहाँ से मिला, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने विनोद स्वामी जी, अरविंद भाई, यस सर, इन सब के माध्यम से मैंने चलना शुरू किया। जब मैं यहाँ चला था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इस टेक्नोलॉजी की कि कैसे हम मोबाइल से बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि साथियों आपको पता है हम लोगों को मोबाइल का इस्तेमाल तो इतना पता है कि भाई अच्छा मोबाइल का मतलब है अच्छा कैमरा, अच्छा उसकी साउंड, अच्छी वीडियो बनाएगा, अच्छी वीडियो दिखाएगा, तो हमें यही पता था। लेकिन यहाँ आके पता लगा कि मोबाइल का मतलब ये है कि मोबाइल एक मनी मेकिंग मशीन है, क्योंकि आपको पता है आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो आज धरती के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर के धनपति हैं, सबके कारोबार कहीं ना कहीं मोबाइल के ऊपर है, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे के सारे नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मुझे भी जब पता गया कि यहाँ से आप बड़ा काम कर सकते हो, पहले दिन मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब स्वामी सर ने मुझे यहाँ इस सिस्टम के ऊपर मुझे लेके आए और मुझे बड़ी बड़ी सेमिनार वगैरह में मुझे लोगों को सुनने का, देखने का मौका मिला, तो मैं समझ गया कि हाँ, यहाँ से कुछ बड़ा काम हो सकता है। और आज साथियों, 4.25 साल के अंदर मेरी लाइफ में बड़ा काम नहीं हुआ, आज मेरे साथ चलने वाले हर उस व्यक्ति की लाइफ में बड़ा काम हुआ है जिस व्यक्ति ने सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, और भरोसा किया एलेक्स सर के ऊपर, यस सर के ऊपर, आपके ऊपर, हमारे सर के ऊपर। और साथियों, आज उन सब की लाइफ बदली है, और अभी मात्र 4.25 साल हम लोगों को इसके ऊपर हुए हैं, और अभी आप देखिए आने वाले टाइम में कितना बड़ा काम होगा।
तो साथियों, मैं तो सिर्फ आपको आज ये मेरा ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, इसका मकसद मेरा सिर्फ यही है कि साथियों, ये पहली वो इंडस्ट्री है जहां लोग आपकी आपकी पीठ के ऊपर हाथ लगा के आपको बोलते हैं, हाँ तू कर सकता है। नहीं तो साथियों, कभी अपने बड़े सपने को एक बार घर पे भी कह के देखना कि मैं एक दिन अरबपति बनूंगा, मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, तो घर वालों को शक हो जाएगा कि आज की नशा तो नहीं कर गया है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप अपने सीनियर अपलाइन के सामने जाके ये बोलते हो कि मैं कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं अरबों रुपए कमाना चाहता हूँ, तो आपका सीनियर आपको बोलता है, नहीं आप अरबों नहीं, आप खरबों कमा सकते हो। एकमात्र इंडस्ट्री है जहां आपकी हौसला अफजाई होती है और जिसकी जीवन में बहुत कमी मैंने भी महसूस की अपने जीवन के अंदर, और आप भी कहीं ना कहीं करते होंगे। तो साथियों, ये जिंदा दिल लोगों की इंडस्ट्री है जहां पे आप जैसे जिंदा दिल लोग आते हैं और अपनी लाइफ के अपने सपनों को पूरा करते हैं और लोगों को भी सपने पूरा करने में उनका योगदान करते हो। साथियों, 4.25 साल मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हुए हैं और टोटल 10 साल मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर हुए हैं, और मेरी सोच पूरे तरीके से बदल के रख दी इस इंडस्ट्री ने। और उसकी वजह है थॉमस सर जैसे जो ये लोग हैं जो हमें दिन रात गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसमें थॉमस सर, यस सर, एलेक्स सर, बहुत सारे नाम हैं। अभी थॉमस सर ने मैं दिल्ली एक सेशन अटेंड कराया 3 दिन का, दीपक बजाज सर का। तो ऐसे ऐसे जब हम लोगों से मिलते हैं, उनको सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती है कि हाँ तू भी कर सकता है। तो साथियों, किसी भी चीज को लेकर कभी जीवन में निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई भी एक एक झटका आपको पता आदमी को खत्म नहीं करता है। आदमी को खत्म एक ही चीज करती है और वो है उसकी सोच। जिस दिन आपकी सोच में ये आ गया कि हाँ मेरा कुछ नहीं होगा या ये सिस्टम भी मेरे लिए बेकार है, तो साथियों जिस दिन आप खुद से हार गए तो वही हार है, नहीं तो और दुनिया में दूसरा कोई आपको हरा ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने भरे पड़े हैं जिन लोगों के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनका केवल धड़ है। आपने सुना होगा, मैं उनका नाम तो जानता नहीं, थॉमस सर शायद बताएंगे आपको मेरे मैसेज के बाद में। उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और वो कितने जबरदस्त मोटिवेट करते हैं लोगों को। एक दो मूवी में भी उनका नाम उनको देखा है मैंने, निक करके कुछ निक। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी देखिए, ये होती है एक 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 कोच की पहचान। अब हमारे कोच साहब को नाम पता है उनका, मैंने केवल उनको देखा था, मेरे उनका नाम याद नहीं रहा था। थैंक यू थॉमस सर। तो साथियों, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, कई सारे लोग। एक अरुणिमा सिन्हा, जो आपको पता है कि रात को वो ट्रेन से गिर गई, कुछ गुंडों ने उनकी उनके जेवर वगैरह खींचने की कोशिश की और उनको ट्रेन से धक्का दे दिया, और गिरने के बाद उनकी एक टांग अलग हो गई। वो सारी रात वही ट्रैक पे पड़ी रही, हजारों ट्रेन वहां से गुजरी और पूरी रात बड़े बड़े चूहे आए, उनकी टांग को खाया। लेकिन जब वो सुबह होश में आई तो उनको कुछ लोगों ने देखा, उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनका इलाज कराया, एक टांग बिल्कुल उनकी खत्म हो गई। लेकिन उनके दिमाग में एक जुनून था कि मुझे माउंट एवरेस्ट को चढ़ना है, और उन्होंने एक टांग से ही वो काम कर दिखाया जिसको दो टांग से करने वाले लोग भी डरते हैं, उन पर नहीं होता है वो। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि उस महिला ने हार नहीं मानी, टांग चली गई लेकिन हार नहीं मानी। अभी जिनका सर ने नाम बताया निक, उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे बहुत सारी वीडियोज आपके सामने भी आती होंगी। एक महिला है जिसके दोनों हाथ नहीं है और वो अपने बच्चों को भी अपने बच्चे को संभालती है। तो ऐसे दुनिया भर के लोग हैं, इनकी वीडियोस हमारे सामने क्यों आती है, हमें मोटिवेट करने के लिए आती है। तो साथियों, कभी भी किसी चीज से हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी एलेक्स सर का मैसेज आया था कुछ देर पहले, अगर थॉमस सर ने वो सुना होगा तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा उसके ऊपर जरूर थोड़ी सी बातचीत करें, जो मुझे समझ आया एक दो सेंटेंस, क्योंकि आपको पता है हम थोड़ा सा अंग्रेजी में माशाल्लाह ज्यादा ही कुछ होशियार हैं। तो उसमें मुझे ये सर की जो बात समझ आई, सर ने उसमें समझाया है कि कोई डरने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उनके उनके मैसेज के बाद अभी आप देख रहे होंगे कि सर मैंने अभी खोल के देखा, सर डैशबोर्ड भी खुल चुका है, डैशबोर्ड खुला है सर, अभी मैंने चेक किया। और उनके मैसेज के बाद कहीं ना कहीं क्लासिक का रेट भी बढ़ा है, अभी 600 कुछ चल रहा था, अभी 900 कुछ है, 52% की ग्रोथ है उसके ऊपर। तो साथियों, रेट कोई मायने नहीं रखता। अभी सोचो, आप और हम यहां से एग्जिट कर गए और रेट चला गया अभी $5,000 और आपने बेच के आप एग्जिट कर गए, और अभी 4 महीने बाद रेट चला जाता है $20,000 $10,000, तब आप क्या करोगे सर? तब हमारे पास केवल पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास ये पैसा बचेगा नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ। आज अभी आप 3,000-5,000 के ऊपर बेच के आप इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर इसके साथ कर दोगे, और 3-4 महीने बाद जब आप देखोगे रेट ओवर ऊपर गया, कुछ नहीं मिलने वाला हमारे हाथ। आज एलेक्स सर ने हमें एक मौका दिया है
कि हम उसके बहाने से हम यहाँ पे अगले अपने फंड को होल्ड कर सकते हैं, और अगर हम उसको होल्ड करते हैं तो कल को साथियों संभावनाएं हैं बहुत बड़ी, तो हमें उनको फॉलो करना है। उन्होंने बताया कि अभी क्लासिक की जब स्वैपिंग होगी यू के साथ, तो हजारों लाखों क्लासिक उनके हाथ में जाएंगे और वो उसको बर्न करेंगे, और जब वो उसको बर्न करेंगे तो क्लासिक भी खत्म होगा और साथ में यू भी खत्म होगा, तो आपको पता है दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, यूके भी बढ़ेगी और क्लासिक की भी बढ़ेगी, क्योंकि क्लासिक यूज होगा किसके लिए, यू को परचेज करने के लिए, यू को स्वैप करने के लिए, और फिर क्लासिक को कंपनी बर्न करेगी, तो बहुत सारा क्लासिक मार्केट से जब खत्म होगा तो वैल्यू किसकी बढ़ेगी, आपकी और मेरे क्लासिक की तो बढ़ेगी। उनके पास प्लानिंग है, और साथियों जिस सीईओ के पास, जिस कंपनी ओनर के पास प्लानिंग होना, उसके पीछे चलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा है अभी यहाँ आप इंडिया में देखो बहुत सारी कंपनियां आती है दो दो महीने तीन तीन महीने में स्कैम करके चले जाती है, उनका मालिक भी सामने नहीं आता, क्यों नहीं आता, प्लानिंग तो कुछ है ही नहीं, एक ही प्लानिंग है आपकी मेरी जेब से पैसा निकालना और यहां से गायब हो जाना। सर एलेक्स की ये प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग होती है 6 साल हो गए बंदे को हमारे आपके बीच में काम करते हुए, आज इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वो ना खड़े करते, ये जो डेबिट कार्ड आपकी मेरी जेब में है ना, जो हर मशीन में काम करता है, पूरी दुनिया इसको लेके ताजुब में है कि इस बंदे ने ये कर कैसे दिया। तो साथियों मैं कैसे विजनरी आदमी के पीछे है जो दिन रात इसी चीज में लगा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं यू का क्लासिक, बहुत से लोग कह रहे हैं सर ये यू क्यों कर दिया, क्लासिक क्यों कर दिया, ये मेरे भाई जो उनका काम है उनको करने दो, आपको और मुझे इन्होंने एक्स के ऊपर मिंटिंग करने का और एक्स के मिंटिंग फॉर्म बेचने का ऑप्शन दे तो रखा है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है ना, वो एज इट इज है, आपका लेवल बोनस, आपका रैंक बोनस, सब कुछ एज इट इज है। अभी वो अगर यू को क्लासिक में स्वैपिंग करने की बात कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, उसको ग्रोथ देने के लिए। आज आपके पास जो आपका क्लासिक है जिसकी वैल्यू अभी $900 या $1000 है, वो चाह रहे हैं उसकी वैल्यू आपको $20,000 मिले, और वो आपको मिलेगी अगर आप उसको स्वैप करते हैं। तो साथियों हर एक व्यक्ति इस चीज को के लिए आश्वस्त हो जाए, हम और आप एक अच्छे इंसान के पीछे हैं, जो इंसान वास्तव में कम्युनिटी का भला चाहता है। सर आप मुझे आज पूरी दुनिया के अंदर एक नेटवर्क कंपनी बता दीजिए जो 80% अपने नेटवर्क में बांटती हो, एक बता दीजिए सर, आपको एक नहीं मिलेगी, यहां आपको मिलता है ना, इंस्टेंट मिलता है। तो साथियों ये छोटा सा बदलाव है, थोड़ा चेंजेस है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, एक आध दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी, उसके बाद फिर हम काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद थॉमस सर, थॉमस सर रेडी हैं, शायद मैंने कुछ टाइम ज्यादा ले लिया, थॉमस सर प्लीज सर आप कंटिन्यू करें। सर मैं एक पोल तैयार कर रहा हूँ, तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी को इनवाइट कर सकते हैं। ओके सर, ओके जी सर, आप मुझे बता देना सर। जी सर। तो साथियों थॉमस सर ने मुझे और थोड़ी इजाजत दी है, तो साथियों हम लोग, मैं बात कर रहा था मैं आपसे कि सीईओ की नीयत खराब नहीं है। साथियों आपको भी पता है मार्केट के अंदर इतनी सब, आज वो बता रहे थे उनके मैसेज में मैंने देखा, वो कह रहे थे कि इतना सारा कॉइन लोग बेच रहे हैं सेलिंग 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 सेलिंग, तो अभी दो ही पैटर्न उन्होंने बताया कि आप लोगों ने दो ही पैटर्न चलाए, एक टाइम सारा बाइंग 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 रेट पहुंचा दिया $1,00,000, और अभी सेलिंग 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 रेट कहां पहुंचा दिया। साथियों कोई भी एसेट दुनिया का अगर वो खाली बेचाई 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 जाएगा तो उसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो। आज अगर आप और हम अपने घरों का सारा गोल्ड निकाल के बेचना शुरू कर दें कि सारा गोल्ड खत्म करना है, बेचना है सारा, तो क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। आज आप और हम अपने शहर की सारी जमीनें, सारे प्लॉट, सारे मकान सब लोग बेचना शुरू कर दें, क्या वैल्यू बचेगी, नहीं बचेगी। तो यहां पे भी ऐसा ही है साथियों, यहां पे कोई पैसा छपता नहीं है कि यहाँ पे कोई पैसा छप रहा है। भी आपका जो मिंटिंग फार्म है या आपका मिंटिंग यूनिट है, क्या वो आपको पैसा दे रहा है, नहीं, वो आपको कॉइन बना के दे रहा है। कॉइन जब मार्केट में ले जाके हम बेचते हैं तो वहां से हमें पैसा मिलता है। अब जब मार्केट में जब सारे ही सेलर होंगे, कोई बायर नहीं होगा, तो रेट तो डाउन जाएगा ना, वो तो स्वाभाविक सी बात है। तो अब सॉरी, अभी कुछ दिन अगर आप और हम इस सेलिंग सेलिंग को छोड़ के थोड़ा वर्किंग पे फोकस करें ना। अच्छा, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के देखो, आप या आपका पूरा नेटवर्क, आपका ग्रुप, सर कितना बिजनेस दे रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहाँ पे बैठे हुए 90% लोग पिछले 4 महीने में सर उनकी टीम से कोई बिजनेस नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा। क्या ऐसे डिमांड बनेगी, नहीं बनेगी। 110 यूरो का पैकेज, अरे मार्केट में जाओ तो सही,
जो लोग 10 साल से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में पूरी ताकत लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात, कुछ नहीं है उनके पास। अगर आप उनको जाके अपना पैकेज दिखाओ, 10-15 हजार का प्रोडक्ट वो वहां भी खरीदते हैं, तो क्या आपके यहां नहीं खरीदेंगे? उनका उनका फिजिकल प्रोडक्ट है, हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है। लोग, बहुत सारे लोग स्कैम कंपनियों का शिकार हो रहे हैं, जो एक एक महीने में लोगों के पैसे को 4 गुना 10 गुना करने का उनको प्रलोभन दे के उनके पैसों को लेके हवा हवाई हो जाते हैं। आप लोगों के पास जाइए तो सही, केवल हमारे अपने दिमाग में एक चीज घुस गई है कि नहीं यार यहां लोगों का लॉस हो रहा है। सर किसी का लॉस नहीं है यहां, एक बार उस आदमी को बताओ तो सही जाके, वो खुद ही आपको बता देगा नहीं यार तुम्हारा प्लेटफॉर्म तो बहुत जबरदस्त है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और पोल आपके बीच में रेडी है, सवाल बता देता हूं, विल यू स्टेक PLCUC टू सेव अवर कंपनी? अगर आप लोगों में ज्यादा तादाद पे जिनके पास कॉइन्स पड़े हैं, अल्टीमा कॉइन्स पड़े हैं, मैं उन लोगों को से पूछूंगा जो कि अब क्लासिक में हो चुका है, क्या अपने लिए कंपनी के लिए क्या आप स्टेक या स्वैप करेंगे? तो यस या नो करना है आपने इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, आर यू विद द कंपनीज पॉलिसीज, जो कंपनी पॉलिसी स्ट्रेटजीज परिवर्तन ला रही है, क्या आप उनके साथ हैं, यस या नो? तो मैं लॉन्च कर रहा हूं, आप सबको मौका है, अगले 2 मिनट सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के साथ आप इस चीज को एंजॉय करें। तो शायद मेरा पोल दोबारा करना पड़ेगा मुझे, पोल एंड हो गया गलती से, मैं दोबारा कर रहा हूं, 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे। बोल आया था मेरे से ही गलती से बटन दब गया, दोबारा दे रहा हूं। आप में से कोई अनम्यूट करके अपने आप को तब तक अगले अपने साथ कोई शेयरिंग, अगर आज का मौका यह है, आप में से जितने लोग वीडियो पे ऑन हैं, आप ये बताएं अगर आपने अलग सर के पूरे मैसेज को सुना है आज, तो आप में से कुछ लोग अगर इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालना चाहें तो आप आ सकते हैं। तो जो लोग करना चाहते हैं मैं उनको पहले इनवाइट करता हूं, उसके लिए आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। गैलरी में आ जाते हैं, कोई सीनियर आदमी अगर है इस ग्रुप के अंदर जो आज वीडियो में इस आज के जो ऑडियो मैसेज को एलेक्स सर के सुना है जिन लोगों ने, वो इसके बारे में थोड़ा रोशनी डाले। रैंकिंग जरूरी है, पता चले 111 ने भी हैंड रेस किया, 111 कौन है ये नहीं पता, तो जो 111 है आप प्लीज अपना नाम जरूर डालें, रीनेम कर ले, आपसे रिक्वेस्ट है। हमारे बीच में और कितने डायमंड लोग हैं वो प्लीज एक बार स्क्रीन पे आए, और आज का अगर आपने वीडियो सुना है या ऑडियो मैसेज सुना है आप हैंड रेस कर सकते हैं और मुझे वेव भी कर सकते हैं ताकि मैं समझ पाऊं कि आपने इस पूरे मैसेज अलग सर के ऑडियो को सुनना है। दिनेश भाई हमारे साथ हैं एमराल्ड रैंकिंग पे, इंद्रपाल बघेल जी हैं, मैं आपको दोनों में से एक को अनम्यूट करता हूं, आप थोड़ा वीडियो में आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इंद्रपाल बघेल अनम्यूट, तब तक मैं पोल आपके लिए दोबारा क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे से गलती से मिट गया था। जी इंद्रपाल जी, हाँ जी सर, थैंक यू सर वेरी मच जी। सर कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, आप अपना बताएं कि हाँ सर, ललित सर जी ने आज अच्छा बताया है कि जैसा कि एक उनके कि एक पैर वाला आदमी माउंट एवरेस्ट तक जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं, और हमको कोई सलाह देता है तो अच्छे के लिए ही देता है,
तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जब वो एक पैर से माउंट एवरेस्ट पर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और हम तो पुरुष हैं, वो तो एक महिला होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चली गई, एक पैर कट गया था उनका। हाँ सर, इसी बारे में बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए और बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। हाँ सर। ललित सर इनको म्यूट कर दीजिए और किसी और को इनवाइट कर दीजिए जो जिन्होंने ये वॉइस मैसेज सुना और जो हमें हमारे को एक्सप्लेन करेंगे। ओके सर। अजीम भाई, डॉक्टर अजीम, डॉक्टर अजीम ब्लैक डायमंड, अजीम सर मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज, अनम्यूट का प्रॉम्प्ट दिया है सर, अपने आपको अनम्यूट कर। जी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है सर। एक्चुअली एलेक्स सर के मैसेज की बात हो रही है ना सर, मैं उसको अभी जी मैं अभी मुजफ्फरनगर और मतलब दो जिलों का सफर करके घर पहुंच रहा हूं, तो मैं फील्ड में था, थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया गुरु जी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं सर। नहीं नहीं, आप अभी ऑन द वे हैं, आप अपना गाड़ी चलाइए आराम से, मैं भी नेक्स्ट लीडर से बात करता हूं। ओके, अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर। थॉमस सर वो मैसेज अभी आया था सर का, तो शायद भी कोई ज्यादातर मेरे ख्याल से लोग सुन नहीं पाए क्योंकि सब लोग इस टाइम फील्ड में या मीटिंग की तैयारी में होते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप किसी को इनवाइट कर लीजिए, तब तक बस एक सेकंड का टाइम है मेरे को। ओके सर। ओके ओके ओके, आकाश भाई शायद होंगे हमारे साथ। जी जी जी, आकाश जी क्या अब आप कंफर्टेबल हैं? आकाश सर, शायद आकाश सर के यहाँ। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम सर। संजू सर नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार जी। एक्चुअली वो मैसेज अभी रिसेंटली आया था, दैट्स व्हाई कि वो बहुत लोगों तक पहुंचा है, तो सुन नहीं भाई, मैं भी नहीं सुन पाया सर उसको भी मैसेज को। ओके सर। ओके ओके ओके, हां वो अभी आया था मैसेज। राइट सर। ठीक है सर, ठीक है। अब आज बहुत दिन हो गए मास्टर जी से बात करते हैं। कुमार अंकुश वीर जी ब्लैक डायमंड और पेशे से गवर्नमेंट टीचर हैं और बहुत शिद्दत से हमारे साथ पिछले 3-3.5 साल से खड़े हैं। कुंवर अंकुश वीर जी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैंने आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा है। बोल भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन वही है, विल यू टेक PLCUC टू सेव आवर कंपनी? क्या आपके पास जो PLC अल्टीमा है जो आप स्वैप करा के अभी जो PLC अल्टीमा क्लासिक है उसको स्वैप करके स्वैप नहीं स्टेक करेंगे 5 साल के प्रोग्राम के अंदर? तो जवाब आ रहा है अभी कुछ टाइम में। और आर यू विद द कंपनीज पॉलिसीज, आज जो कंपनी पॉलिसीज बना रही है आप उनके साथ हैं कि नहीं है? तो हमारे पास रिजल्ट बड़ा ड्रास्टिक आने वाला है। Percent लोगों ने सर यस बोला है। ललित सर मुबारक हो सर, ग्रेट सर ग्रेट। और 3% लोगों ने ना कहा है और सिर्फ 3% लोगों ने ये कहा डोंट नो, अभी आइडिया नहीं है उनको, वो बड़े ईमानदार है। और आर यू विद द कंपनी 95% लोगों ने यस बोला है, नो बोला है सिर्फ 5% लोगों ने, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नो बोला है उनका तो स्वागत बड़ा जबरदस्त करेगी आने वाला टाइम, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो अपने कॉइन को बेच के निकल चुके होंगे जो आपने अभी बोला है, और एक बार वो बेच के निकल जाएंगे उसके बाद फिर पछताएंगे। वंस देर वास ए बिटकॉइन, वंस देर वास ए PLC अल्टीमा, वंस देर वास ए PLC रेट्स। कहते हैं कि अब क्या खाना जब चिड़िया चुग गई दाना, ये सिचुएशन उनकी लाइफ में हमेशा रहेगा। तो ललित सर कुमार जी नहीं है, कुमार अंकुर वीर जी। जी सर, क्योंकि सर मैं उनको अनम्यूट का मैसेज दे नहीं पा रहा, एक बार सर प्लीज आप अगर आप कंफर्टेबल हैं ट्राई करें। उनको पोस्ट बना देते हैं। थैंक यू सर, मैं उपस्थित हूँ जूम पर।
वेलकम सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ललित जी आपका भी। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी बहुत बढ़िया आ रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और सर बताएं मेरे लिए क्या आदेश है। कुछ नहीं सर, थोड़ा सा लोगों को गाइड कर रहे हैं सर। आप भी सर गवर्नमेंट टीचर हैं, प्लस यहाँ से आप अच्छे बहुत बढ़िया अचीवर हैं, तो थोड़ा सा अपना एक एक मिनट में अपना अनुभव शेयर करें सर, ताकि लोगों को एक मोटिवेशन आए सिस्टम के बारे में। थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों नमस्कार, नाम कुंवर अंकुशवीर, और जैसा सर ने बताया पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, और लगभग 4 साल की जर्नी मेरी होने वाली है इस कॉन्सेप्ट के साथ में। और मैं आपको बताऊं, जब मेरी शुरुआत हुई थी तो क्रिप्टो का सी भी नहीं जानता था, और लगभग 8-9 महीने के आसपास मेरी जो जर्नी ऐसे ही मतलब एक इन्वेस्टमेंट के रूप में मैंने एक रिस्क के साथ में शुरुआत की थी। और क्योंकि उस समय थॉमस सर जैसे जो आज हमें घर बैठे एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसे गुरु भी नहीं थे, जूम थी, तो हम केवल फिजिकल जो हमारे सेशंस हुआ करते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी, उनके सारे हम जो है अपने आप मतलब अपडेट करते थे। तो ललित सर मुझे बार बार बुलाते रहे, मास्टर जी आ जाओ, आपने इन्वेस्टमेंट तो किया है, आप सीखते इसके बारे में कुछ सीखो, कुछ जानो। तो दोस्तों जो आजकल हमारे आसपास आप देखते होंगे जो कंपनियों का माहौल है, रोज कंपनी आती है और चली जाती है, तो मेरे दिमाग में वही सेट था कि ये भी ऐसे ही एक कंपनी होगी। और लगभग 8-9 महीने के बाद जब ललित सर की मैंने अचीवमेंट देखी, तो दोस्तों वहां से एक जुनून फिर मन में हुआ कि अब इस कंपनी को देखना है कि इसमें ऐसा है क्या कि जो यहां से इतना बड़ा अचीवमेंट ललित सर ने लिया। और दोस्तों वो दिन सो आज का दिन है, मैं आज तक इस कॉन्सेप्ट के बारे में कहीं भी मीटिंग हो या ट्रेनिंग हो या कोई भी जूम का सेशन हो, क्योंकि जब से लॉकडाउन आया तो हमें जूम भी उपलब्ध हुआ, आज हम घर बैठे सुबह और शाम ऐसे ऐसे गुरु हमारे साथ में हमें एजुकेशन दे रहे हैं कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और उसके बलबूते पर आज मैं यहाँ पर ब्लैक डायमंड रैंक पर हूँ। और दोस्तों आपको बताऊं, जब मेरी एजुकेशन मैंने यहाँ से लेना शुरू किया और कॉन्सेप्ट के बारे में और जो एलेक्स सर हमारे उनके विजन के बारे में मैंने मतलब देखा और अपने आप रियलाइज किया, तो दोस्तों उसी समय मैं आपको बताऊं 20 लाख रुपए अपनी सैलरी पर पर्सनल लोन लेके यहां से मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मुझे एलेक्स सर का जो सर आपकी आवाज चली गई शायद, क्यों थॉमस सर जी इनकी आवाज चली गई, जगपाल जी भी हमारे साथ हैं। ग्रेट सर, आज जगपाल जी को कॉल करते हैं सर, मैं उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। जगपाल जी, तो जगपाल जी भी हमारे सर टीचर। जगपाल जी हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत जबरदस्त आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। सर नमस्कार जी सभी को, और थॉमस जी को तो बहुत बहुत दोबारे से नमस्कार सर, इतने बेस्ट गुरु हमें मिले हैं वास्तव में ही। आज अगर मैं कहूं तो इन्हें क्रिप्टो की जानकारी ही नहीं बल्कि ये तो एक वैज्ञानिक है सर। ये बात मैं बहुत दिन से सोच रहा, कभी मैं बोलूंगा तो मैं सर को कहूंगा, और मैं बहुत खुश हूँ और पूरी कम्युनिटी भी बहुत खुश है, क्योंकि ऐसे गुरुओं की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों आपने मुझे जूम पे यहाँ पर टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बताऊं, नाम मेरा जगपाल सिंह है और ब्लैक डायमंड हूँ, और मैं भी इसी कंसेप्ट में 3.5 साल पहले आया था ललित त्यागी जी के माध्यम से, आकाश जी के माध्यम से। और दोस्तों यदि उससे पहले की जर्नी के बारे में बात करूँ तो मैंने 21 साल टीचिंग की है, गवर्नमेंट जॉब भी की है, मेरे 21 साल में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, लेकिन इन 4 साल के अंदर इस कंसेप्ट की बदौलत मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जितने हमारे इर्द गिर्द जो मेरे साथी हैं जो इस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि थोड़ी सी दिक्कत आ जाए तो लोग पैनिक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर देखना चाहिए, अपने आप पे देखना चाहिए कि जब हमने 4 साल पहले यानी 20 साल 25 साल 30 साल पहले हमसे
कुछ नहीं हुआ, हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी चली गई, उसमें हम कुछ नहीं कर पाए, तो कम से कम अब उस व्यक्ति के को साथ दे, उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए जिस व्यक्ति के बदौलत आज हमारी जिंदगी बदली है। भाई यहाँ पर इस कंसेप्ट के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोडक्ट में भी चेंज हो गए, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट में चेंज करती है, चाहे वो मोबाइल कंपनी हो, चाहे वो कार कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, और अपडेट भी करती है, अपडेशन भी करती है। लेकिन दुख की बात है कि जब हमारी इस कंसेप्ट के अंदर थोड़ा सा अपडेशन चालू हो जाए और एक दो दिन के लिए साइट रुक जाए तो हमारे भाई बहुत सारे पैनिक हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी उन सभी लोगों से गुजारिश है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और हमारा जो है ना, मतलब जो हमारे अलेक्स सर है उनके बारे में तो क्या कहूँ, शब्द भी नहीं है, वास्तव में वो प्रभु तुल्य है जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, और अभी भी रात दिन इस कंसेप्ट में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे, समाज के लिए बेटर से बेटर करना चाह रहे, पीएलसी कम्युनिटी के लिए बेटर से बेटर करना चाह रहे। और थॉमस सर को दोबारा से सैल्यूट, दिल से सैल्यूट, सर बहुत मेहनत कर रहे, इन्हीं की बदौलत मैं कहूँ तो आज ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे ऐसे गुरुओं की बदौलत जूम के माध्यम से ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच सर। That was wonderful testimony, sir. बहुत ही छोटे में आपने एक कंपनी के प्रति अपना विश्वास जगाया और आपने दुनिया के आगे ये बताया कि हम अभी खड़े हैं, बस अभी ये खड़े ही होना है कुछ टाइम के लिए। एलेक्स सर को पता है कि कब कहाँ रोल बैक मारना है, कब कहाँ पे इसको टॉप गियर पे डालना है, वो प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से इस सिस्टम को चलाने की पूरी कोशिश में है। अब हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक लीडर जिनको मैं पर्सनली जूम पे भी मिल चुका हूं और उनकी भी नॉलेज बहुत अच्छी है इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के तो है ही है, अब हमारे साथ जुड़े हुए भी उनको एमराल्ड की रैंकिंग पे आ चुके, मैं उनको को-होस्ट बना चुका हूं। तो लेट मी वेलकम मिस्टर सुधीर टपलियाल फ्रॉम देहरादून। थैंक यू संजू सर, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली आज का जो एलेक्स का वॉइस मैसेज था उसके बारे में बात करना चाह रहा था। बहुत जरूरी था सर, बहुत जरूरी है, बताएं। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने सुना है और सर ने जो उसमें एक तो यही कहा था कि हम लोग अभी शायद एक आध दिन और लगेगा वेबसाइट को ठीक होने में, बट ये ऑलरेडी हो चुका है, मैंने आपको पर्सनल पे मैसेज डाल दिया था कि अपडेट हो चुका है। सेकेंडली उन्होंने ये कहा था कि ये जो क्रिप्टो है कि आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, हम कोई एक साल दो साल तीन साल में नहीं आने वाले, हम कम से कम 10 साल यहाँ रहने वाले हैं, और हंसते हुए कह रहे थे कि मेरा तो रिटायरमेंट भी आप लोगों के साथ ही होगा, ठीक है। और ये उन्होंने कहा है कि ये जो भी टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं कि अभी उन्होंने अल्टीमा को क्लासिक के अंदर अगर वो डाल रहे हैं, तो क्योंकि क्रिप्टो विंटर सामने है, क्रिप्टो विंटर का मतलब है कि ऑल टाइम लो पे सारी करेंसी चल रही है और अगले 3 से लेकर 5 साल यही स्थिति रहने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ भी रहेंगे तो जो एक्स का कहते हैं कि हमने आपको जो फार्म दिया है वो आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि हम उसको कर सकते हैं कि 1 लाख यूरो पे हमने रखा हुआ है, फिक्स रखा है, बट ये हम अल्टीमा के साथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अल्टीमा के अंदर लोग सेल आउट ज्यादा कर रहे हैं और रकम रहे हैं, तो अल्टीमेटली उन्होंने इसको क्लासिक के अंदर कन्वर्ट किया है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो अभी हार्ड फोर्क डालेंगे अगला वाला, उसके अंदर पे हमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ही हम x टाइम्स, x मतलब 10 टाइम्स, 2x टाइम्स या 3x टाइम्स इस सिस्टम से अर्न कर सकते हैं। ये मोटा मोटा उसका मैसेज था कि वो कहते हैं कि बिलीव इन मी, मेरे ऊपर विश्वास करो, कंपनी के ऊपर विश्वास करो, तो आप लोगों को यहां से बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और उनके ही कुछ मैसेज के बाद अभी जैसे ललित सर ने बताया था कि 700 कुछ का जो रेट था वो 900 कुछ पे आ गया था, इवन उस कह रहे थे कि अभी आपके पास मौका है कि आप कम रेट पर क्लासिक को खरीदे, मेरी टीम में कुछ लोगों ने खरीदा है, 700 के रेट पे खरीदा है, 675 के रेट पे खरीदा है, और वो देखते ही देखते 900 से ऊपर का रेट हो चुका है। उन्होंने कहा कि विद इन अ मोमेंट ऑफ फ्यू आवर्स, फ्यू डेज या फ्यू वीक्स में आप क्लासिक से 10 गुना या 20 गुना भी अर्न कर सकते हैं। सर ये मेरी समझ थी, बाकी एक और बार सुनेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। थैंक यू वेरी मच। 70% आपने पूरे जो भी मैसेज आया उसको क्लियर कर दिया आपने, और यही मैं देखना चाह रहा था कि कुछ लीडरशिप है जो अभी अगला जो कमांड संभालेगी, कुछ लीडरशिप गायब हो चुकी है मार्केट के अंदर से, वो कहते हैं बरसाती मेंढक की तरफ आते हैं और बरसाती मेंढक की तरफ चले जाते हैं, तो वो उनका विवेक है,
जो इतने सालों से चल रहे सिस्टम पे विश्वास नहीं कर पा रहे तो वो क्या अपने आप पे भी विश्वास नहीं कर सकते, दे डोंट हैव फेथ। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। अपने बीच में आए हैं विश्राम चौधरी जी। विश्राम चौधरी जी का जो सफर है एमराल्ड तक का, ऑल रोड ऑलमोस्ट सभी लोग इनको जानते हैं। इन्होंने अपने एक लो टाइम से एक अपने आप को एक बड़े प्रोफाइल में शिफ्ट किया है, और वाकई में इनकी मेहनत और इनकी सोच, ए रिच मैन इज ऑनली नोन फॉर हिज माइंडसेट, और ऐसे माइंडसेट से विश्राम चौधरी जी से मेरे को मुलाकात हुई, और हमें ऐसे कम्युनिटी में ऐसे सशक्त बंदों की जरूरत है। तो मैं उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, वो हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते। नमस्कार सर, सभी कम्युनिटी में नमस्कार। मैं विश्राम चौधरी राजस्थान से, और इस सिस्टम के अंदर एक बिलीव किया और इस सिस्टम के साथ में लगा हुआ हूँ सर। जो भी अपने कंपनी के ओनर है और जो अपने मेंटर है, वो अपना कभी अहित नहीं चाहेंगे, और जो भी होता है ना आज अपने माँ बाप हो या परमात्मा हो, अपने लिए जो भी परेशानी आती है कुछ भी होता है तो उसके लिए अच्छा ही होता है। तो एलेक्स सर ने जो भी सोचा है वो पूरी कम्युनिटी के लिए और पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो मैं उनकी सोच को, मैं जो भी वो बोलेंगे वो मेरे लिए सर्वोपरि है सर, और जो डिसीजन लिया वो अच्छा है, और इसी के साथ में जो भी होगा सर साथ में काम करें और आगे करते रहेंगे। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, आपने दिया अपना। हमारे बीच में कुछ नए लोग हैं, वीडियो पे आए तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आपको हम लोग इनवाइट करें। डॉक्टर एल के पटेल सफायर, नमस्कार सर, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, अनम्यूट हो चुके हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर, और हार्डली थैंक्स कि आपने मुझे सर बोलने का मौका दिया जी, और इस प्लेटफॉर्म में आए हुए मेरे को एक महीना और आज 15 दिन पूरे नहीं हुए है सर जी। और मैंने इस प्लेटफॉर्म से अभी सीखना ही शुरू किया, लेकिन इतना तो तय कर लिया है कि इतनी अच्छी कम्युनिटी है कि आने वाले समय में अगर दिल से मेहनत करेंगे तो जो सपना देखा है वो सच कर सकते हैं। ये तो मेरे को पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस आ गया है। और अभी बात की जाए तो एक महीने और 15 दिन में मैं अभी सेफायर रैंक पे हूँ सर, और अभी मैं ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और इस बिजनेस में मेरे को जो मेरी अपलाइन है वो जो है वो उसका नाम है कन्हैयालाल माली सर, और उसके अपलाइन जो है वो गुलाब रावल सर है, वो अभी डायमंड रैंक में है, और हमको अपलाइन जी की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और हम अपनी तरफ से भी कुछ सीखने की कोशिश हर दिन करते हैं। आज सुबह में जुटे जूम मीटिंग में था तो आपने एक क्वेश्चन किया था, वो मेरे दिल की वो बात मेरे दिल को छू गई कि आप अगर एक साल में कितने लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, और उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा, चलो बहुत ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा कि 1 साल में 1 करोड़ नहीं कमाना चाहता होगा, लेकिन आपने बोला कि अगर 1 करोड़ को 12 में डिवाइड किया जाए तो कितना होगा, तो उसकी कुछ फिकर थी, 8,33,333। फिर आपने एक क्वेश्चन किया कि उसको महीने में जो 30 दिन होते हैं उसमें कन्वर्ट करिए दिन की कितनी होती है, तो उसका जवाब था 27,777। और उसके बाद आपने एक क्वेश्चन किया था कि अगर इतना पैसा आप कमाने के लिए दिन में कितनी मेहनत कर सकते हो, तो काफी लोगों ने जवाब दिया था 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे, इतना जवाब दिया था। और आपने बाद में यही बोला था कि ये बातें 8 घंटे 10 घंटे नहीं, सिर्फ आप उसको 4 घंटे दीजिए, सिर्फ 4 घंटे, उसमें 2 घंटे अर्ली लर्निंग के हो और बिजनेस के हो, और 2 घंटे जो है वो आपकी जो बातें हैं वो मित्रों के साथ अपने रिलेशन के साथ आप शेयर कर सको। इसी बात को लेकर सर मैं बहुत इंप्रेस हुआ, और आने वाले समय में बहुत बड़ा धमाका करने की सोच में हूँ, फिराक में, और सीखने की मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, यही लर्निंग है सर। आपने कितने लोगों के साथ ये बात शेयर करी होगी, यहाँ से निकली एक जुबान पे एक बात कितने लोगों तक घूम रही है, क्या पता इस जूम में किसकी जिंदगी बदल जाए, है ना जी सर। तो ये जी सारी चीजें होती है। हमारे बीच में अब बहुत ही यंग डायनेमिक लेडी आ चुकी है जिनकी आवाज सुनने के लिए जूम तरसता है, तो कहते हैं कि उनकी बातों में फूल झलकता है। अगर ऐसी बात है तो चलो उनसे बात करके देखते हैं। लेट मी इनवाइट नन अदर देन द ज्योति कोचर, द वुमन एंटरप्रेनर एंड द बैकबोन ऑफ दिल्ली टीम। मैम आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट, और आपको कोई भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ ही।
आपको हम लास्ट जी सर सर मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपकी जो टीचिंग स्टाइल है उसको देख के। अभी जो एल के पटेल सर ने आपके एग्जाम्पल दिया और ये रियलिटी है कि इन्होंने अभी सुबह के आपके मैसेज को रात को अभी जिन जिन लोगों ने सुना, मेरा हैंड रेज करने का सिर्फ एक ही कारण था कि अगर हम लोग आज भी इस कैलकुलेशन को जो कैलकुलेशन सर ने अपने मुंह से आपकी बताई हुई डुप्लीकेट की है बॉस, तो ये ठीक सिस्टम है। मैं एक स्टूडेंट बन के इस वेबिनार में ज्यादा रहती हूँ ना कि होस्ट बन के, क्योंकि मुझे सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों मैं ज्योति कोचर दिल्ली से, और मैं आगे का हिस्सा सर के साथ शेयर करूंगी, सर की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को मैच करके आप सबके साथ कनेक्ट रहूंगी। बट मैं थैंक यू करना चाहती हूँ संजू सर आपका कि जो आपने ये बनाया है ना कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला, ये मेरे को भी लर्निंग के लिए मिला और मैंने इसको नोट कर लिया और मैं इसको बेस्ट मोटिव लेके इसको स्प्रेड करूंगी। थैंक यू सो मच संजू सर, और अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आई विल कंटिन्यू रेस्ट विद यू। आप कंटिन्यू करें, मैं एक दो लोगों को और इनवाइट करता हूं क्योंकि हमने सेशन 9 बजे क्लोज करना है। मैंने वो पूरा मैसेज को दोबारा ऑडियो मैसेज को एंड डिक्रिप्ट करना है, क्या हिडन मैसेज है एलेक्स सर का जो दुनिया को देना चाहते हैं, वो एक बार समझना चाहूंगा। आपके बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रही है, वो एक बार आप चेक कर लीजिए, शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं। राइट सर, मैं म्यूट कर रहा हूं। हां आप म्यूट कर लीजिए। तो जो आपने एलके डॉक्टर एलके पटेल जी ने आज जो बात कही है, ये वाकई में हमारी सुबह के सेशन में हुआ था और बहुत जबरदस्त चीज है। इस चीज को अगर आप इम्प्लीमेंट करें लाइफ के अंदर, आप टाइम नहीं वेस्ट करोगे, सास बहू के सीरियल्स नहीं देखोगे, और आज तक और जैसे और कई चैनल्स हैं जहां पर नौटंकी होती है, जहां पर आप जैसे ही घुसते हो तो आपको ये लगता है कि आज ही वर्ल्ड वार होने वाला है, आप वो नहीं देखोगे। आप छोटे छोटे कन्वर्सेशन जहां पे गॉसिप्स होते हैं, जहां पे एक दूसरे की बुराई होती है, उस कन्वर्सेशन में भी नहीं घुसोगे क्योंकि आपको लगेगा ये 5 मिनट मेरा कितना वैल्यूबल है। आप बुक रीडिंग में लगाएं, ऑडियो में लगाएं। आज हमने जो शुरुआत सुबह की करी थी, मिस्टर सिन्हा जो है, सागर सिन्हा, बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के पायनियर्स में नाम आता है उनका, उनकी वीडियोस में देखा कि कैसे हमें क्लोजिंग, और ऑलमोस्ट मैं अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, ओवरऑल इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते थे, वन लाइनर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लोग स्टोरी सुनाने लगते हैं, एलेक्स ये आप क्या करते हो, आप किस बिजनेस में हो, तो आपको बोलना पड़ता है कि आई एम ए क्रिप्टो एंथुसियास्ट, आई हेल्प पीपल। आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर मैसेज में क्लियर है, आई एंड माय इमेंसली टैलेंटेड टीम हेल्प पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। यानी कि उस दो लाइनर के अंदर, सिंगल लाइनर के अंदर बता दिया कि मैं और मेरी पूरी टीम उन लोगों को हेल्प करती है जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी सोते हुए। कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं हम लोग। तो आप अपने वन लाइनर के साथ तैयार रहिए, कल का सुबह का सेशन वन लाइनर इंट्रोडक्शन के साथ होगा, और हमें देखो मौका मिलता है क्रिप्ट इस इंडस्ट्री के अंदर, हम बैठे बैठे बात करते, वार्तालाप करते, अगले दिन का सेशन चूज कर लेते हैं। तो एवरीबॉडी इज वेलकम टुमारो फॉर द फंटेस्टिक इंटरेस्टिंग 7:30 बजे कॉफी विद डायमंड्स वाले सेशन के अंदर, जो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है वन लाइनर से, और जिनका सबसे बढ़िया वन लाइनर होगा उनके लिए पूरी कम्युनिटी वर्चुअली स्क्रीन पे आकर तालियां बजाएगी, और तालियों की गूंज को अपने कानों में डालने की आदत डाल लो, और जिसको ये आदत हो जाए ये तालियां आपको सोने नहीं देगी, और ये तालियां आपको जगा के रखेगी आपके मकसद के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए, आपके वो बिग स्टेज के लिए। स्टेज फियर हो, पब्लिक स्पीकिंग फियर हो, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं है। इंसान ने हवाई जहाज तक उड़ाना सीख लिया है, इसका मतलब इंसान की मानसिकता, उसकी मेंटेलिटी इतना स्ट्रांग है। अरुणिमा जी के बारे में जो बात बोला था अभी ललित सर ने, उसको बड़े ध्यान से समझना। लोग दो टांगों से क्या, जवान लोग कांप जाते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। उन्होंने जब अपने ड्रीम के बारे में बताया था, जब वो हॉस्पिटल में थे
पट्टियां हुई उसको, उनका एक पांव कट गया, तब वो बोल रहे थे क्या करना है, करना क्या है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। तो ये जज्बा जिस आरपी में, कहते ताकत। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, लोग थक जाते हैं मुझसे पूछते हैं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, मैं तो कहता हूँ मेरी एनर्जी क्या है, एनर्जी तो होनी चाहिए भगत सिंह जी। भगत सिंह जी के बारे में आपको सबको पता है, भगत सिंह जी को जब फांसी की सजा हुई और जिस दिन तय किया था उससे एक दिन पहले उनको बोल दिया कि सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर दिया है प्लान, आपकी कल फांसी नहीं होगी, आज होगी, और वो भी 4 बजे के आसपास। सोचो एक इंसान की मनोस्थिति कैसी होगी, जब उनका वेट, जब उनको लेने गए तो नहा धो के तैयार रेडी मिले और उनका वेट 4 किलो प्लस मिला, और उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो पता क्या भगत सिंह ने कहा था कि मेरी एक किताब के 15 पेज रह गए मार्क्स एंड लेनिन के, वो पढ़ने का अगर मौका दे दिया जाए बस मेरी यही आखिरी इच्छा है। क्या मानसिकता होगी इस आदमी की, क्या मतलब मेंटली कितना स्ट्रांग है, जरा सा कॉइन इधर उधर हिला हल्के लोगों की तरफ, अरे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया। अरे आप क्या कमा के लाए थे इस दुनिया में, कुछ लेके आए थे, तो डर किस बात का है, अगर उधार उधार पे आपने उठाया तो कोई बात नहीं, मौका मिलेगा वापस आने का, आपको बैंक करेगा। लाइफ में हमेशा केक नहीं मिलेगा, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोसेस, देयर हैज टू बी डिफिकल्टी। अगर आप चलते हुए आपको कोई हडल नहीं मिल रहा और कोई ब्लॉकेज नहीं मिल रहा तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। ये परेशानियां, ये तकलीफ आपको और अंदर से मजबूत करेगी, आपके मन कितना स्ट्रांग होना चाहिए। आज एक स्टोरी मैंने और सुनी थी हुसैन अली के बारे में, बहुत सारे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स जानते होंगे, उन्होंने जब अपने दुश्मन को पकड़ लिया था, दबोच लिया था, गिरा दिया था, और छाती पे जैसे भाले का वार करने लगे तो उसके वो दुश्मन ने उनके ऊपर मुंह पे थूक दिया, और जैसे ही थूका उसके मुंह पर, हम जैसा आम आदमी हो तो उसी टाइम उसको कत्ल कर देते। उसने कहा जा तुझे छोड़ रहा हूं, जा तुझे छोड़ रहा हूं। कहता है गलती कर रहे हो मुझे छोड़कर, कहता है जो भी है तुझे छोड़ रहा हूं। कहता है यार एक बात समझा, जा तो रहा हूं लेकिन मुझे बता दे तूने मुझे छोड़ा क्या, मैंने तो तेरे को और तेरे गुस्से को बढ़ाया। कहता है यही तो तकलीफ है, जब मैं तेरे पे भाले का वार करने वाला था तब मैं बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे तुमने मुझे मुंह पे थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, और गुस्से में मैं कोई गलत डिसीजन लेता नहीं, मारेंगे तुझे फिर दोबारा, फिर पकड़ूंगा फिर मारूंगा, और मेरी मानसिकता उस टाइम बिल्कुल शांत होनी चाहिए, शीतल होनी चाहिए। कहते हैं डिसीजंस कभी भी इमोशंस में नहीं लेने चाहिए, हम सब इमोशंस से बाइंडेड है, गुस्से में, प्यार में, इमोशंस में हम डिसीजंस लेते हैं। जिंदगी में फेलियर के रीजंस भी यही, मैंने 18 पैरामीटर्स जब अपने फेलियर्स के रीजंस देखे, जबकि कॉर्पोरेट में एक नाम होता था मेरा ट्रेनिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, लेकिन मैंने इमोशंस के साथ बड़ा खेल खेला, इमोशंस हमेशा मुझे डायरेक्ट करता था। जो बिजनेसेस मैंने लॉस किए तो मैंने उसको इमोशंस के साथ शुरू किया था, इमोशंस के साथ खत्म किया, तो मुझे समझ आ गई बात, इमोशन एक इंपॉर्टेंट रोल है। कभी जिंदगी में इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना, कभी जिंदगी में गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना, मन को स्थिर करना है, मन को मजबूत करना है। ये बिजनेस मजबूत लोगों का है, जिगर जिनका होता है, ये वाकई में सशक्त लोगों का बिजनेस है। और सशक्त आप कब हो सकते हो, जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तब मिल सकती है जब आप नॉलेज के साथ चलो। नॉलेज तब आ सकता है जब अपने पूरे दिन को आप प्लान करो कि मुझे इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है। आज आप सबके पास एक एक्सरसाइज है, आपको होमवर्क करना है। स्कूल पे चलते हैं, पुराने टाइम में बचपन की तरह स्कूल में सीखने सिखाने का मजा तक आता है। स्कूल टाइम में आपको एक चीज मिलता था, उसका नाम था डायरी। ध्यान रखो ये दोस्तों, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने ये कम से कम, मेरे पास हर साल के अंदर ये कम से कम मैं 4-5 डायरियां लिख देता हूँ,
और अगर उन सबको मैं सबमिट करूं, मैं आज से जितने साल का अगर मैं अपने बारे में अगर ऑटोबायोग्राफी खुद का लिखूं मैं, तो पूरे 18-20 साल का करियर का मैं एक किताब में लिख सकता हूं, एक किताब में। और प्लैटिन वर्ल्ड का जो सफर मैंने तय किया, मेरे अंदर जो ट्रांसिशन से ट्रांसफॉर्मेशन आया है, हर महीने के ऊपर एक किताब लिख सकता हूं। ये फर्क आया मेरे में, ये फर्क आपके अंदर आ सकता है। आपकी ये डायरी आपको बताती है, आपके देखो कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, ललित सर को देखो हमेशा नोट करेंगे, ज्योति मैम ने क्या कहा, मैं डायरी पेन में नोट कर लूं। ये लीडरशिप है, ये मजबूती देता है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमारे आमने सामने बहुत कुछ होता है। ये आपका रिविजन बुक है, एवरी मंथ आपकी डायरी भरनी चाहिए। अगर आप 12 डायरी भरने वाले इंसान हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। विवेकानंद जी के पास क्या था, क्या फॉर्मल एजुकेशन था कोई, क्या था उनके पास? कबीरदास के पास क्या था, दादू के पास क्या था? इन सबके पास नेचर था, नेचर से सीखते थे, नेचर को देख के बता देते थे, वो वहां से सीखते थे। कबीरदास के दोहे आप देखो, कितने कितने दोहे, मीनिंगफुल दोहे। इसमें हिंदू मुस्लिम क्रिस्ट सिख कुछ नहीं, ये ज्ञानी इसे ज्ञानी, ये नॉलेजेबल पर्सन इसे नॉलेजेबल पर्सन, किसी भी धर्म से वो कभी भी नहीं जुड़ता, वो धर्म के अपेक्षा और परिभाषा से बहुत दूर है। आपको सीखना है तो डायरी रखनी पड़ेगी। लेट्स बिकम स्कूल स्टूडेंट्स अगेन, लाइफ एक स्कूल है, डायरी हमारे पास होना चाहिए, और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं वही हमें आगे बढ़ाता है। कहीं कोई समझ नहीं आता पूछ लो, आपके सीनियर ने नहीं जवाब दिया उसके सीनियर पे जाओ, उसके सीनियर पे नहीं जवाब दिया उसके सीनियर पे जाओ। करिकुलम बनाओ अपनी लाइफ का, 4 घंटे का प्लान करो, थिंग्स टू डू, वन लाइनर आपको तैयार करना है, डायरी के साथ आपको बैठना है, आज का होमवर्क ये करना है कि आप इस इंडस्ट्री में क्या बनना चाहते हो, और अगर बनना चाहता है तो बनना चाहते हो तो आपके पास क्या रोड मैप है, क्या लर्निंग प्रोसेस है, किस किस एनरोलमेंट में आए, क्या क्या एजुकेशन सिस्टम से आपको गुजरना पड़ेगा। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस सिस्टम तो आप इस बिजनेस के स्टार बन सकते हो। आप में से कितने लोग 18-20 साल के एक्सपीरियंस को लेकर बैठे हुए हैं, आपको अनवाइंड करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा जो आपने सीखा है, क्योंकि यहां तक आप पहुंचे हो इस वजह से पहुंचे हो जो आपने सीखा है। अब यहां से आपको बढ़ा जाना है तो आपको वो सब सीखना पड़ेगा जो वहां तक ले जाएगा। तो रास्ते तय हैं, बेंचमार्क तय है, अगले 10-20 साल के लिए हमारे साथ ये सिस्टम है, और करोड़ों अरबों रुपए आप कमा सकते हो। मनी इज ए बाय प्रोडक्ट, मैं हमेशा बोलता हूं। आप यहां पर क्या बन सकते हैं आपने कल बताना है, आपको क्या बनना है उसके लिए आप क्या सैक्रिफाइस देने को तैयार हो, क्या लर्न करने को तैयार हो, कितना अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी पे, अपने ऑरा पे खर्च कर सकते हो, कितने नेगेटिव लोगों से आप दूर हो चुके हो, ये सब समझना हो। आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। हम पूरी टीम जो आज जूम चला रही है, यश आगे जी से लेकर ललित सर, स्वामी सर और बहुत सीनियर लीडर मेरे अपने अपलाइन, जो लोग अभी कुछ टाइम के लिए नहीं है वो भी आ जाएंगे वापस, वो सब मिलकर आपको ट्रेन करने को तैयार है। बस आपने सीखने की क्षमता है, पैसे को देखकर मत आओ इस सिस्टम में, इस सिस्टम को देखकर आओ। सिस्टम विल क्रिएट मनी, सिस्टम ही आपको पैसा देगा। ये सिस्टम एक यूनिक सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम है, जो कभी भी ऑब्सोलीट नहीं हो सकता। तो अब हमारे बीच में अभिषेक है जो एम्बर है और बहुत ही प्रतिभान और पोयम बहुत अच्छा लिखते हैं, शेर व शायरी का शौक है मेरा, इनके साथ कई बार रूबरू हो चुका है, मुलाकात वर्चुअली हुई है, लखनऊ से हैं और कुछ बहुत अच्छी बात आज उनके मुंह से सुनेंगे। तो इनवाइट करते हैं नन अदर देन अभिषेक एम्बर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट मैंने आपको दे दिया। पहले तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी लखनऊ से, मेरे डायमंड प्रदीप सिंह जी और अपलाइन पीयूष सिंह रामदरस जी हैं लखनऊ से ही। सर अगर इस सिस्टम और आप लोगों की बात कही जाए तो दो लाइन में मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो एस हाके सर हुए या
सबसे बेस्ट मेंटरशिप ललित सर की, और आपके लिए दो लाइन जो कागज पर लिख दूं आप लोगों की तारीफ, जो कागज पर लिख दूं आप लोगों की तारीफ तो स्याही भी आप लोगों की गुलाम बन जाए। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। सर मैं आज विधानसभा से निकल रहा था तो एक हमारे बड़े भाई हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधायक भी हैं और मंत्री पद को सुशोभित करते हैं, उन्होंने मुझसे झटके में पूछ दिया अभिषेक क्या चल रहा है। हमने कहा सर चल तो प्लेटिनम बढ़ रहा है, और बात उन्होंने कहा कि फिर कहाँ मुलाकात होगी। हमने कहा सर फॉर्म परचेज करिए, तो वही हुआ कि जब जुड़ जाता है नाता और बनती है बात तो फिर हम लोग मिलते हैं वही जूम पे, हमारी और आपकी होती रहेगी मुलाकात। तो जूम को हमने उनको प्रमोट किया और कल हो सकता है सुबह में वो जूम पे बैठेंगे, और आप लोगों के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और प्लेटिन वर्ड के लिए शब्द कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि आपकी कोचिंग कहते हैं ना कि यू आर नथिंग बट योर रिफ्लेक्शन, आपकी रिफ्लेक्शन ही इस ढंग की है कि ये जो 1000 लोग इस समय वर्तमान में हमारे साथ जूम पे बैठे हुए हैं, ये लोग जब जिस नजर और जिस दिल में जो तमन्ना लेके बैठते हैं वो आप लोग उससे सराबोर कर देते हैं। और फाइनली मैं मेरी अपनी कंपनी मेरे अपने सिस्टम को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके अब पूरी तरह से इस सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जहां थॉमस जी और ललित सर की मेंटरशिप है वहां ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के साथ खरबपति बना जा सकता है, नो डाउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लेट्स हैव अ बिग क्लैप फॉर दिस जेंटलमैन। आपके शब्दों में प्रहार है, आपके शब्दों में मधुरता है, आपके शब्दों में अट्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, एंड द वंडरफुल पर्सनालिटी। वर्ड कैन क्रिएट ए वर्ल्ड, ये शब्द है, इसको आप शब्द करें तो अपने आप को बदनाम करो, इसमें अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड, कहते हैं कि पूरे जब दुनिया के संसार की शुरुआत थी सिर्फ शब्द थे और शब्द ही भगवान है, तो शब्द को कैसे यूज करना है आपके ऊपर है। और अब चलते हैं, हमारे बीच में और भी कई लोग हैं उनको इनवाइट करते हैं, अगले 10 मिनट का सेशन रहेगा हमारे बीच में, जो हैंड रेस करके वीडियो पे आ रहे हैं, दिलीप शर्मा जी एम्बर है, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट करूंगा। ओपी साहू जी आप भी रेडी रहे, तो पहले मैं दिलीप जी को ले रहा हूं। जी दिलीप जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं कटनी मध्य प्रदेश कटनी से हूं जी। मेरे को सर एक छोटी सी टेक्निकल जानकारी लेना, अभी डैशबोर्ड खुल गया था जी, तो मैंने अभी एक आईडिया का भी स्पॉन्सर अभी लगाया है, लेकिन उसमें जो है अपना फॉर्म लेना है जो, तो सर अभी उसमें बीच में तो चेंज हो गया था, 0.00.33 हो गया था, लेकिन अभी 0.002 दिखा रहा है, तो क्या अभी रुकना है? इतनी जल्दी में क्यों रहते हो, थोड़ा आराम करो सर, सुनिश्चित चलने दो। हाँ जी, इतना जल्दी क्या है, अभी तो खेल की शुरुआत है सर, आपको मौका मिलेगा। हमने ये पूछना था जानकारी सर की लेना, अभी रुकना है ना सर? जानकारी रुको, थमो, इंतजार करो जी, हमेशा जल्दी में मत रहा करो, मंथन का समय है ये, स्वयं का मंथन, कंपनी का मंथन, पूरे सिस्टम का मंथन, ये टाइम है, थोड़ा जेस्टेशन पीरियड है, थोड़ा आराम करो, सिग्नल मिल जाएगा आपको, जूम में बने रहिए। जी बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ जी हाँ, मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, ये सच्चाई है। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बहुत ही अजीब दोस्त हैं और कोशिश करेंगे उनको किसी दिन हम लेके आए और बहुत बड़ा प्रोग्राम में आप लोगों के समक्ष पेश करें। तो कहते हैं वाणी जिसकी भी है अच्छी निकलनी चाहिए, और अभिषेक की वाणी हमने सुना और ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड लीडर, क्योंकि शब्द में ज्ञान है, शब्द ही ज्ञान है और शब्द में जान है। आप सभी लोगों से यही है, मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूं, मैं मेरे पास लिमिटेड वोकैबुलरीज हैं और मैं अपने आप को जानता हूं इस पूरे इकोसिस्टम में, कहते हैं कुछ भी नाखून के बराबर हूं, और इसी वजह से आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हैं जब आपको अपनी लिमिटेशंस पता हो।
एंड जिस आदमी को अपना लिमिटेशन पता हो सकता है वही ज्यादा लंबी छलांग मार सकता है। तो सभी लोगों से निवेदन है अपने आप पर काम करें, बिकम ए गुड कम्युनिकेटर, बिकॉज कम्युनिकेशन विल क्रिएट क्लैरिफिकेशन, अगेन क्लैरिफिकेशन विल गिव यू रिजल्ट। तो चलते हैं उपु साहू के जी के पास, एडमिरल ड्रैगिंग है। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अवर जूम सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया सर, और आज का बहुत वंडरफुल सेशन रहा सर, और सिस्टम भी पूरा तरह से वर्क करने लगा और सब अपडेट चालू हो गई सर, तो थैंक यू सर। और मैं सर, लोग कुछ लोग सर दो तीन दिन में नेगेटिव हो गए थे और कहने फोन बहुत लगा रहे थे, बहुत लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं, तो सर मैं ज्यादा नहीं दो लाइनें बोलूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। हमारे बीच में अभी कुछ और लोग शामिल हुए हैं। विमला जी, विमला रानी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। जेड रैंकिंग पे अपनी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा जी। विमला जी बोलिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज सिस्टम तो बहुत बेहतरीन है ही, सिस्टम तो इतना लाजवाब है सर कि शायद ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम इतने लेट इसमें आए। और मैंने अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट किए तो सर कहीं ना कहीं एक हमारा हीरो जो होता है उनमें आज से आपका नाम भी शुमार हो गया है। मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने शुरुआत की 2019 से, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ही मैंने शुरुआत की थी। वहाँ मेरे जो पहले हीरो थे उनका नाम था राहुल सैनी, जिनको मैं आज भी उनके बताए हुए मार्ग उस मार्ग पे चल रही हूँ। दूसरे जो कॉन्सेप्ट था मेरा उसमें थे मुकेश मुदगिल जी, और तीसरे आज से आप भी शामिल हो गए सर। क्या गजब आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शब्द नहीं है आज मेरे पास कहने के लिए, बड़ी शिद्दत से आपके दोनों ही सेशन, मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ के अपना घर का काम खत्म करके फिक्स 7:30 बजे बैठ जाती हूँ जूम पे, और 10 बजे तक कोई काम नहीं करती ऐसा भी, केवल आपको सुनने के अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आगे का भी समय मिलेगा। आपका प्यार, आपका फेथ, आपका सिस्टम, आपने अपना सिस्टम बना लिया है, आपका सिस्टम आपको पैसे कमा के देगा। जो चाहत रखते वो सारी चाहत आपकी पूरी होगी। हिलना नहीं, डरना नहीं, पैसे ना आए तो घबराना नहीं, और पैसे आए तो इतराना नहीं, बस दो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो सर गॉड गिफ्ट मुझे मिला हुआ है कि इतने सारे लॉसेस एक छोटी सी उम्र में हो चुके हैं, देख चुकी हूँ कि अब तो लॉसेस से घबराना तो मैंने छोड़ ही दिया सर। अभी अभी सडनली 3 महीने पहले 70 लाख डूबे हैं, और बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है, शिकन नहीं है, बिल्कुल भी ये लगता है कि मैं अभी जब भी आपने जब मुझे अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। मैं अभी गोपाल जी हैं मेरे, इनको मैं विश्राम कराने जा रही थी, तो बस मेरा तो ये होता है कि कभी भी कोई नुकसान होता है ना तो मैं हंस के और इनके सामने मुस्कुरा के बैठती हूँ और कहती हूँ कि शायद तुमने कुछ और अच्छा मेरे लिए सोचा होगा। परीक्षा भी इंसान तभी मिलती है जब वो इंसान उस परीक्षा को लेने के लिए क्वालिफाइड हो, आप क्वालिफाइड हो। 70 लाख क्या आप 700 करोड़ रुपए यहाँ कमाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर और आप काम करिए, सीखिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। विमला रानी जी को मैं भी हैट्स ऑफ कहूंगी और सैल्यूट करूंगी आपको दिल से। आपकी मैसेज सुन के मैं सैल्यूट करूंगी एक नारी को जो हंस के हर रिस्क को और हर लॉस को ले रही है। थैंक यू, और आप बहुत बड़ी एग्जांपल बनोगे हमारी प्लेटिन वर्ल्ड की, आई एम श्योर। थैंक यू सर,
थैंक यू सो मच मैम, आप सभी मेंटर्स का अगर आशीर्वाद रहा तो ये यात्रा बड़ी सुगम होगी मेरे लिए, और अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, और सीखने के साथ साथ जैसा मैं अभी 15 दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ इसको मीटिंग को, बहुत सारे सुधार मैंने अपने आप में देखे हैं, और अगर आप सभी का सहयोग रहेगा तो बहुत जल्दी ही रैंक भी अपने आप अचीव हो ही जाएंगे मैम। थैंक यू सो मच, दिस वाज द लास्ट कॉल, 9 बज गए हैं और हमें अपना सेशन अभी आउट करना पड़ेगा, कई लोग क्या। ओके, राधे राधे सभी कम्युनिटी, राधे राधे, नमस्कार, आदाब अर्जे, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, द वंडरफुल सेशन वाज देयर, बहुत लोगों की शेयरिंग हुई। कल मिलते हैं 7:30 बजे फिर एक नए बड़े नए तरीके, आपने ऐसा स्पीकर नहीं सुना होगा, सुपर नाउ।